ओम साई राम। मेरे प्यारे बच्चे, नकारात्मक विचारों के साथ तुम एक सकारात्मक जीवन नहीं जी सकते। एक पेड़ से जहां लाखों माचिस की तिल्लियां बनती हैं जीवन में प्रकाश लाने के लिए, लेकिन एक तिल्ली काफी है लाखों पेड़ जलाने के लिए। इसी प्रकार एक नकारात्मक विचार या संदेह तुम्हारी सारी खुशियों को खा जाता है। जिन लोगों की सोच हर परिस्थिति में सकारात्मक रहती है, उनका जीवन किसी स्वर्ग से कम नहीं रहता। तुम अपने अंदर अपनी छुपी शक्ति, अपनी हिम्मत को पहचानो, यही मेरा उद्देश्य है। तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्मों से बनती है, तुम्हारे कर्मों से तुम्हारी किस्मत बनती है। इसलिए अपनी किस्मत तुम ही बदल सकते हो। ये दिव्य शक्ति हर इंसान को मिली है। ये ना सोचो कि परमात्मा तुम्हें चुनौतियों से घिरा देख के भी मौन रहते हैं। परीक्षा के समय में तुम्हारे शिक्षक भी मौन रहते हैं, क्योंकि वो तुम्हारी बुद्धि शक्ति की परीक्षा होती है। मेरा भी उद्देश्य तुम्हें और बलवान बनाना है। अपने लिए, सबके लिए पवित्र मनोकामना रखो, अपने विरोधियों के लिए भी अच्छी कामना रखो। भलाई की भावना जो तुम रखते हो और सबके साथ बांटते हो, वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। तुम्हारी यही भावना तुम्हारे लिए चमत्कारों की रचना करती रहेगी। भलाई के उद्देश्य से, सही भावना से किया हुआ हर कार्य आज नहीं तो आने वाले कल में तुम्हारे लिए आनंद, समृद्धि और सौभाग्य जरूर लेके आएगा। सही करने में संकोच ना रखो, ना भूलो कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम मुझे बहुत प्यारे हो, मेरा हाथ तुम्हारे सर पर हमेशा है। जीवन की उलझने तुम्हें छोड़ के दूर जा रही हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य पूरा हो गया है। जो रह गई हैं वो अपने आप सुलझ जाएंगी। भरोसा रखो, सब शुभ है, सब शुभ ही होगा। अपने बाबा के लिए एक बार फिर मुस्कुरा दो। तुम्हारी हर एक मुस्कान मुझे बहुत बहुत पसंद है। जय साईं राम।